आगे बढ़ते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव अमेठी में जीतने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। एक तरफ जहां राहुल गांधी हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के युवाओं को क्रिकेट के माध्यम से साधना चाहती हैं। जिस तरह स्मृति ईरानी 2014 का चुनाव हारने के बाद लगातार सक्रिय हैं, उसको देखकर कांग्रेस के भी होश उड़ गए हैं। स्मृति ईरानी के जरिए जो काम अमेठी के लिए किए जा रहे हैं, उस पर कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्मृति ईरानी सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आती हैं, उनको कुछ भी काम नहीं करना है। राहुल गांधी तो एक बार पूरे सारे गांव के खिलाड़ियों को इकट्ठा करके करवा चुके हैं, और इस समय खेल को बढ़ावा देने के लिए माननीय सांसद राहुल गांधी जी ने प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर 15-15 लोगों का क्लब बना के प्रत्येक ग्राम सभा में दो दो टीम को, और जो निकाय हैं वार्डों में चार टीमों का गठन करा के लगभग वितरण हो चुका है। 1700 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पे लोग खेलते हैं वॉलीबॉल का, वही देख करके उसी का नकल कर रही, बाकी करना इनको कुछ नहीं है। क्रिकेट प्रतियोगिता कराई जाएगी और उन नौजवानों की प्रतिभा को निखारने के लिए, जो कि प्रतिभा में कमी नहीं है लेकिन उनको आगे नहीं लाया जाता और उनको स्थान नहीं मिलता, उनको प्लेटफार्म नहीं मिलता, इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए दीदी स्मृति ईरानी जी ने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता करा रही हैं और उनको किट भी वितरण करेंगी अपने। तो क्रिकेट के जरिए युवा वोट बैंक साधना चाहती हैं स्मृति ईरानी। नेताओं की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 23 तारीख को जिला अमेठी आ रही हैं स्मृति ईरानी, जहां पर क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। वहीं युवाओं को प्रोत्साहित करेंगी, युवाओं को पुरस्कार भी देंगी। क्रिकेट की एक प्रतियोगिता आयोजन करा रही हैं। जब से 2014 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के हाथों हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से ही स्मृति ईरानी लगातार अमेठी ज़िले में सक्रिय नज़र आ रही हैं और अमेठी ज़िले में आए दिन अलग अलग कार्यों के जरिए खबरों में बनी रहती हैं। विपक्ष का यह कहना है, कांग्रेस नेताओं का यह आरोप है कि खेल के जरिए ही खाली स्मृति ईरानी केवल साधने का काम कर रही हैं, युवा गुमराह करने का काम कर रही हैं, उन्हें कुछ काम नहीं करना है, केवल गुमराह करना है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि क्रिकेट का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा क्रिकेट के खेल के प्रति और उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। अमेठी जिले से ही 2014 में स्मृति ईरानी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ वो खड़ी हुई थी और राहुल गांधी के से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2014 से वो लगातार अमेठी ज़िले में सक्रिय रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रियों का, खासकर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का यूपी के ज़िलों में लगातार आना जाना बना हुआ है। कल सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली में पीएम मोदी आए थे और आज राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में स्मृति ईरानी का एक रैली होनी है। 23 तारीख को स्मृति ईरानी अमेठी आ रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।